राजस्थान आयुर्वेद नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 10 मई को कोरोना वॉरियर शहादत सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बताएं, इसको लेकर समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में समिति के मोहन यदुवंशी, उदय सिंह राघव, राम खिलाड़ी गुर्जर सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र फोगाट ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान सरकार के आयुष मंत्री सुभाष गर्ग शिरकत करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में आयुष विभाग की शासन सचिव विनीता श्रीवास्तव, आयुष विभाग के उप शासन सचिव रामानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर के रूप में शहादत देने वाले आयुष नर्सेस के आश्रितों को आयुष मंत्री के हाथों से 1 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी। दस मई मंगलवार को हम लोगों ने इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में एक कार्यक्रम रखा है, जिसके दो फेज होंगे। मॉर्निंग फेज में हमने वर्तमान में, जैसा कि आप सब लोग मीडिया संसाधनों से देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि भी WHO ने फोर्थ वेव की चेतावनी दी है, तो ऐसे में हमारे आयुष नर्सेज किस तरह से अपनी बेहतरीन सेवाएं संपादित कर सकेंगे, अपनी सेवाओं में गुणात्मक सुधार कर सकें, इसके लिए मॉर्निंग सेशन में हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ रहेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर कमलकांत शर्मा, जो इंडियन मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, जो मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। और होम्योपैथी और यूनानी के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश चौधरी और मनमोहन खिची।